हेलो बेटी, कैसी हो? हाँ डैडी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बेटिया, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ हाँ ठीक चल रही है। ठीक चल रही है ना? हाँ हाँ ठीक हो रही है। ये आवाज कैसी आ रही है? ऐसी कुछ खास नहीं, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। नहीं, आप कहाँ हो? मैं तो यूनिवर्सिटी में ही हूँ। यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे चिंता हो जाती है बेटी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। हाँ बेटी, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बेटी रानी। बाय डैडी। क्या करूँ भगवान, क्या कहूँ मम्मी डैडी से? यहाँ तो डेली जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, महीनों से कोई क्लास ही नहीं हुए हैं। मेरा भी यही हाल है आयुषी, पापा ने कितने अरमानों से यहाँ दाखिला करवाया था, कितनी मुश्किल से ऑटो चलाकर, चाय बेचकर, किसानी कर, अपना पेट काट कर हमें यहाँ पढ़ने भेजते हैं, पर इन भूतों शैतानों ने तो मेरा गर्व कर रख दिया है। लेकिन ये जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, ये पागल नहीं है, ये बुद्धिजीवी है, जेंटलमैन है। ग्रेट माय लॉर्ड, क्या तेरी फितरत है, क्या गजब की दुनिया तूने बनाई है। अरे वाह दुनिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने कैसी ये दुनिया बनाई, तूने कैसी ये दुनिया बनाई। सुना तूने ये अंकल क्या कह रहे थे? मुझे तो इनकी बातों में सच्चाई झलकती है, और इनसे बातें करें। आप कौन है अंकल, अभी आप क्या कह रहे थे? पागल हूँ मैं, पागल हूँ, दुनिया मुझे पागल समझती है, लेकिन लेकिन वो भूल जाते हैं कि मेरे इस हालात के जिम्मेदार कौन है, कौन है जिम्मेदार। पानी 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 चाहिए। मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे बूढ़े माँ बाप ने बड़े अरमान से मुझे दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मेरा नामांकन करवाया था। मैं जानता हूँ कैसे कैसे कष्टों को सहकर मुझे वे पैसे भेजते थे। पहले सत्र तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मैं भी मेहनत करने लगा, अच्छे अंक भी आए। फिर क्या, फिर हुआ शिक्षा विरोधी राक्षसों का गंदा खेल, जहां देखो वहां पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, पठन पाठन सब ठप, यूनियन बाजी ही केवल देखने को मिली। फिर सत्र विलंब हो गया,
मैं पढ़ाई पूरा नहीं कर सका। इसी बीच मेरे बूढ़े माँ बाप दुनिया से चले गए। मेरा क्या कसूर? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मैं आज भी इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ। आप ही कह रहे हैं अंकल। सुनो बच्चों, जानते हो इन विश्वविद्यालयों में बहुत ही कम फीस लगते हैं। तो बताओ फिर इनके खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसा हमारे देश के कर्मठ, परिश्रमी, ईमानदार लोगों द्वारा दिए जा रहे टैक्स से आता है। यदि विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल होगा, शिक्षण कार्य बाधित होते रहेंगे, राष्ट्र विरोधी तत्वों को समर्थन मिलता रहेगा, तो यह टैक्स के पैसे का अपमान होगा, इसका दुरुपयोग होगा। ईमानदार लोगों द्वारा दिए जा रहे रुपए पैसों का यह अपमान है, घोर अपमान है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर हमारे चुप रहने से समस्या का हल नहीं हो सकता। हम पढ़ने वाले छात्रों को आवाज उठाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि वे शिक्षा संस्था को राजनीति से दूर रखे, पढ़ाई बाधित ना करे, हमारा भविष्य बर्बाद ना करे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये छात्र आंदोलन है या राजनीति का अखाड़ा? यहाँ तो हम छात्रों के मुद्दे ही गायब हो गए हैं। Yes, you are right, Ayushi. हर विरोध में कश्मीर को मुक्त करो, पड़ोसी देश का झंडा लहराना, उनका जिंदाबाद कहना, क्या ये छात्र आंदोलन का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। छात्र आंदोलन तो शुल्क से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित आदि मुद्दों पर होना चाहिए, पर इन सभी मुद्दों पर शांतिपूर्वक बात होनी चाहिए। परंतु तो ध्यान रखा जाए अध्ययन अध्यापन में कोई बाधा ना आए, पर यहाँ तो गजब हो रहा है, कक्षाएं बंद है, यहाँ पर हमें ढाल बनाकर राजनीति की जा रही है, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। ठीक कह रही हो अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। विरोध प्रदर्शन के और भी कई तरीके हैं, जैसे वस्त्रों पर काली पट्टियां लगा लेना, मौन जुलूस निकालना आदि। अनेक तरीकों से शांतिपूर्वक से हम विरोध कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तिरंगा लेकर बस जलाना, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, दुकान बंद करवाना व अन्य गैर कानूनी कार्य करना, क्या राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं है? तुम ठीक कह रही हो अंजलि, इस तरह की गतिविधियों को बंद करना ही होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हमारा अपना नुकसान है। देश के विकास में इस तरह की गतिविधियां घातक ही साबित होती हैं। पर इससे तो काम नहीं चलेगा, चलो हम लोग उन्हें समझाएं। इतना ही नहीं, देश के इमेज की भी बात है। JNU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और यादवपुर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग ही पहचान है। ये विश्वविद्यालय अपने उच्च स्तर की शिक्षा एवं अपने शोध कार्य के लिए विश्वविख्यात है। सचमुच में ये भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। जब इन उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थानों में हंगामा होता है, अनुशासनहीनता होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है। अतः हम सभी को इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
अभी